आदाब नाजरीन, हम इस वक्त पहुंचे हैं टंगमर्ग इलाके में, जहां पे हम टंगमर्ग के जंगलातों में इस वक्त मौजूद है। अगर से बात जंगलों की जाए तो पिछले कुछ सालों से जो है जंगलों को बड़ी बेरहमी से काटा जाता था, यानी कि डिफॉरेस्ट्रेशन की जाती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बर्बादी का एक सबब बन चुका था। अगर से देखें जंगल जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर जंगल है तो हम हैं, हम हैं तो हमारा ये जंगल। एक गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव उठाया है जिसमें जो है इन जंगलों को जो है कंजर्व किया जाता है और यहाँ पे जो है नए दरख्त लगाए जाते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो सही रहता है, ठीक रहता है और बैलेंस में रहता है। जो हमने एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम किया है, हमने मतलब थ्रू J&K किया है, हम ग्रीन J&K ड्राइव कर रहे हैं। ग्रीन J&K ड्राइव के थ्रू हमने मतलब हमारे क्लोजर बना रहे हैं, हमने प्लांट्स लगा रहे हैं, लाखों की तादाद में प्लांट्स लगा रहे हैं, वो हम नर्सरियाँ भी बना रहे हैं, क्लोजर भी बन रहे हैं और हमारा एफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। और हम साथ ही में ये भी कर रहे हैं कि हम मेडिसिनल प्लांट्स भी लगा रहे हैं। तो मेडिसिनल प्लांट्स लगाने से हमें ये है कि मतलब लोगों का रोज़गार मिलेगा उसकी वजह से। और जो पिछले टाइम में जो मतलब डिफॉरेस्टेशन हुए उसको हम मतलब बहुत हद तक मतलब वो काम हो गए कि एफॉरेस्टेशन उन जगह करने के लिए। इस वक्त हमारी मतलब 100% मतलब ग्रोथ है प्लांटेशन में, क्योंकि प्लांट्स हमारे जितने भी हैं, हम तो कायर लगा रहे हैं, देवदार लगा रहे हैं, ब्रॉडलीव में हम मतलब एप्पल ट्री लगा रहे हैं, हाड़ी लगा रहे हैं, हॉर्स चेस्टनट लगा रहे हैं, इसमें बहुत हम जो स्पीसीज लगा रहे हैं। ये जो हमारे लोकल मतलब लोकल में जितने भी हमारे लोग रह रहे हैं वो हमें भरपूर तावन दे रहे हैं, वो हमारे शाना पहचाना हमारे साथ काम कर रहे हैं। इनिशिएटिव लिया है कि जो एफॉरेस्टेशन होनी चाहिए और ये हम एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और शादो मत से कर रहे हैं, और हम मतलब इससे एक और स्कूलों के साथ भी कर रहे हैं, कॉलेजों के साथ भी कर रहे हैं, जो लोकल है उनके साथ भी एफॉरेस्टेशन का काम कर रहे हैं। हम बोलते हैं लोगों को मतलब आप हमारे साथ शाना पहचान रहो। और हमारा एक प्रोग्राम ये कि मतलब बेटी पढ़ाओ पेड़ लगाओ, वो भी हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है, वो भी हम कर रहे हैं कि मतलब अगर किसी के यहाँ बच्ची भी पैदा हो गई तो 5-8 महीने के बाद हम बोलते हैं कि पेड़ लगाने के लिए, वो बोल रहे हैं कि मतलब अगर घर में लगाएंगे तो हम घर में ही जाते हैं, अगर बाहर बोलेंगे तो हम बाहर ही लगाते हैं।